हाँ अगर जम फर गिर जाता मेरी माँ भाई सब बच जाता, उसमें कोई नहीं मरता। एक तो जिनके पिता और माँ मर गए उनके एक छोटे बच्चे हैं जो वो भी अपाहिज हैं, और जिस पिता का पुत्र और बहू मरा वो भी अपाहिज हैं। एक पापा है जो विकलांग है पिछले 5 साल से, वो छत से गिर गए थे, और एक हम है और एक छोटा भाई है। ये मेरे लिए बहुत ही हृदय विदारक घटना है, मैं इसको अपने मैं कोशिश करूँगा उसके किसी एक बच्चे को कहीं नौकरी लगे। सर उस दिन कैसे घटना हुआ था? हाई टेंशन तार जो है 440 वाट वो टूट के वहाँ दो पौधा था वहाँ गिरा हुआ था, और उधर से माँ काम करके आ रही थी, उनको पता नहीं था, और वही तार में वो पता नहीं था वो सट गई, और उसके बाद वो बेहोश गिर पड़ी। दरवाजे पर मेरे भाई था, भाई को कुछ पता नहीं चला, वो लगा कि चक्कर आके गिर गई, और वहाँ पे गया तो भाई भी उसमें करंट में सट गया। उसके बाद मेरी भाभी थी, वो देखी कि दोनों आदमी गिरे हुए हैं, तो उनको भी कुछ पता नहीं चला, वो भी गई और उसमें वो भी सट गई। सभी लोगों को माइंड मिस्टेक हो गया कहीं ना कहीं, उन लोगों को लगा कि शायद मतलब फीट आके गिर गए हैं, खेत में से काम करके आ रहे थे, धूप काफ़ी था, लगभग हमको लगता है कि 11-12 बज रहा था। हाँ 12 बज रहा था उस समय। तो मतलब इसमें बिजली विभाग की लापरवाही है, देखा जा रहा है कि आपके नज़दीक जो ट्रांसफार्मर है उसका जो कट आउट है उसको इस तरह फिक्स कर दिया गया है कि पूरा गांव का गांव जल जाए, लेकिन वो मतलब वहां से गिर नहीं सकता है। हाँ बिजली विभाग का बहुत ज़्यादा लापरवाही, क्योंकि मेरे घर के सटे हुए एक जम्फर है ट्रांसफार्मर का, उसको जम्फर को इस तरह से ऊपर जो फ्यूज होता है उस तरह से उसको लपटा गया, इसको न कोई उसको खोल सकता है न कोई डाउन्स कर सकता है, कितना भी कुछ कर ले मगर पूरा गांव के गांव जल जाए मगर वो उसको कुछ नहीं हो सकता, इस तरह से उसको फ्यूज के लपटा गया है। लेकिन वो जो किया गया है गैर कानूनी है? हाँ एकदम गैर कानूनी, क्योंकि कहीं भी जम्फर आता तो वो वहाँ सरकार सुरक्षा के लिए लगाती है, क्योंकि वो उससे कभी भी कहीं घटना हो तो वो जम्फर गिराने से लाइन कटआउट है, मगर उस समय कुछ नहीं हुआ, वो जम्फर गिरने ही वाला था, नहीं वो पूरा ऑलरेडी वहाँ से बंधा हुआ था ऊपर। आपको लगता है कि अगर जम्फर गिर जाता तो शायद उसमें से एक दो लोग की जान बच जाती? हाँ अगर जम्फर गिर जाता मेरी माँ भाई सब बच जाता, उसमें कोई नहीं मरता। मेरे परिवार में बस एक पापा है जो विकलांग है पिछले 5 साल से, वो छत से गिर गए थे, और एक हम है और एक छोटा भाई है, और एक भतीजी भी थी उसी के चपेट में आई थी, वो भी थोड़ा उसको भी करेंट लगा और वो छितरा के गिर गई, तो उसको भी हॉस्पिटल लेके सब लोग गए आनंद फानन में। पंचायत स्तर पर जो ब्लॉक स्तर पर कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी क्या है, उनकी जिम्मेदारी क्या? एक छोटी घटना तो है नहीं है, हम 15 लाख रुपया व्यवस्था दे दें या 20 लाख दे दें, ना माँ लौटेगा ना भाई बहन भाई और भाभी लौटेगी, एक तो ये परिवार समाप्त हो गया, पूरा गांव एकदम समझिए कि लगता है कि तब से अभी तक मातम में ही है। घटना तो जिस तरीके की लगातार घट रही है, आगे भी वहाँ हम जहाँ अभी गए थे जिस परिवार वहाँ भी बिजली से ही जी ये इतने बड़े सीनियर लीडर को बिजली लग जाना तार टूट जाना, तो ये मैं तो एक बात समझूंगा कि पंचायत में जो तार जो त्वरित गति में हमको जो नया कॉपर का तार लग रहा है उसको चेंज करने की आवश्यकता है, और हमको मानव बल पर ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है। एक तो यह है हम जो हालात इस परिवार के हैं, एक तो जिनके पिता और माँ मर गए उनके एक छोटे बच्चे हैं जो वो भी अपाहिज हैं, और जिस पिता का पुत्र और बहू मरा वो भी अपाहिज हैं, घर की स्थिति दोनों भाई कंप्लीट रूप से बेरोजगार है, तो हम तो 2 दिन पूर्व ही हमको खबर मिली थी तभी हम आना चाह रहे थे, लेकिन फिर आज मुखिया जी को हमने पिंटू जी को कहा कि हमको वो गाँव जाना ही जाना है किसी भी कीमत पर, और मैं इतना आपको बता दूँ कि मेरे लिए बहुत ही हृदय विदारक घटना है, मैं इसको अपने मैं कोशिश करूंगा उसके किसी एक बच्चे को कहीं नौकरी लगे, और एक परिवार को इतनी व्यवस्था कम से कम मैं ज़रूर कर दूं ताकि एक छोटा बिजनेस या कोई भी चीज़ वो शुरू कर सके, तो इसके लिए ताकि परिवार को फिर से संभाला जा सके। घटना बहुत बड़ी है और ये इसको लापरवाही हम कहेंगे कंप्लीट रूप से। सर ट्रांसफार्मर का जो कटआउट है उसको फिक्स किया गया था, उसको बोला गया उस समय कि आप इसको फिक्स नहीं कीजिए, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी माने नहीं फिक्स कर दिए। होता क्या है कि बिल्कुल सही बात है, होता क्या है कि जब कोई पॉलिसी होती है ऊपर से बनता है, जैसे अभी स्मार्ट बिल का बिलिंग का है चीज़ें हैं वो बर्बाद कर दिया है लोगों को, भोचर वाला जो अब देखिएगा अभी हम भोचर भराए और कब भोचर ख़त्म हो गया हमको पता ही नहीं चला, और
पहले से कई गुना ज़्यादा बिल हमको लगातार लग रहा है। हम बल्ब जला रहे हैं एक बिल आ रहा है ज़्यादा। हम सर इधर बिजली विभाग की लापरवाही से लगातार घटना हो रही है। 10 दिन पहले भी 11,000 वोल्टेज में सटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 10 फीट में 11,000 की व्यक्ति ने, वो बहुत बड़े लीडर थे जिसकी मौत हुई है, गणेश राय। वो बहुत बड़े लीडर थे, वो राजद के मेरे ख्याल से प्रखंड अध्यक्ष थे, पैक्स अध्यक्ष थे। नहीं सर, यहाँ पर भी एक मजदूर की हुई है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ जिसकी बात आप उधर कर रहे हैं कि उनको वो भी 11,000 बिजली के तार टूटने से ही हुई। वो आए घर में और नंगे पर जा रहे थे, तार टूटी हुई थी, देखा नहीं पैरा और डेथ कर गया। और उसके घर की भी स्थिति यही थी। मजदूर का मेरे ख्याल से अब मजदूर का कोई पता तो हमको है नहीं। यदि आपको जानकारी है, नॉलेज में है, तो आप उसका हमको खबर जरूर दीजिए और उसका हमको एक कुछ भी हुआ हो तो जरूर दीजिए ताकि मैं उसकी मदद करवा सकूँ। उसका डिटेल जरूर दीजिएगा, ये मेरा आग्रह होगा आपसे। तो हम जब देखे कि यहाँ पे कई चीज़ होता है जी। वो ट्रांसफार्मर वाला वो लॉक कर दिया गया था, तो मैं आगे घटना कोई घटे और कोई ऐसा स्थिति आए जो गांव में बिजली के कोई माने ऐसा घटना जिससे करंट से कोई दुर्घटना हो जो, और वहाँ पे जम्पर उसको गिरा के मैंने बड़ा घटना को रोका जाए, इसके लिए ही वो लगाया जाता है। तो उसको हटाने के लिए जब वो लॉक कर रहे थे, लॉक किया हुआ था देखे थे, तो उसको हटाने के कर्मी को हमारे द्वारा या हमारे चाचा है वहाँ पे बगल में इनका घर है, इनके द्वारा भी बोला गया था, लेकिन वो जिद में आके नहीं किए। वो एक बार बोला भी गया था कि हमको ग्रीस चाहिए, ग्रीस उसको अतिक्रमण फ्री करने के लिए। तो हम लोग के द्वारा हम लोग खुद अपना ग्रीस उनको उपलब्ध कराए थे, इसके बावजूद भी उस चीज़ को हटाया नहीं गया। चाचा आप भी मना किए थे लॉक करने के लिए? हाँ भाई, जब वो कर रहा था तभी मना किया था कि तुम लोग ऐसा क्यों करते हो। जब वो बोला चाचा जब भी ज़रूरत होगा तो हम सुधार लेंगे, तो सुधार लेंगे तो कब सुधारोगे? तो सुधारने के लिए इतना उसको टाइम दिया गया लेकिन कोई सुधारा नहीं, आज दुर्घटना घट गया। मना किए थे, बात नहीं माना था लोग? हाँ मैं मना किया हूँ कि ऐसा मत करो। अगर बात मान गया होता तो आज इतना बड़ा घटना नहीं होता, ये दुर्घटना ही नहीं होती। इतना बड़ा दुर्घटना का जैसे आदमी आया दौड़ा तो जम्पर गिरा देता तो ये नौबत नहीं आता, लेकिन जम्पर गिर ही नहीं रहा तो वो नौबत आएगा ही ना। गिराने का प्रयास किए थे लोग? अरे 2-3 आदमी गया वहाँ, डायरेक्ट जम्पर गिराओ, जम्पर गिराओ, सब जानता था, लेकिन वो मतलब बंद ही नहीं होता तो क्या करेगा उसको कोई।